सुहागपुर ब्लॉक के सहमरी हरचंद में स्थित पशु चिकित्सालय केंद्र में एक्सपायर दवाइयों से बेजुबान पशुओं का इलाज किया जा रहा है। चिकित्सा केंद्र में 2 साल पुरानी दवाएं देखी जा सकती हैं। गांव-गांव लग रहे कैंपों में भी यही दवा डॉक्टर एक्सपायरी दवाओं का से ही इलाज कर रहे हैं। सरकार पशुओं को बचाने के लिए कई शासकीय योजना चलाकर डॉक्टर्स को निर्देशित कर रही है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं। जब मीडिया ने चिकित्सा केंद्र में जाकर देखा तो यहाँ पर 2 साल पुरानी दवाओं का भंडारण मिला है। यहाँ तक कि डॉक्टर को सुबह और शाम अस्पताल का रहना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डॉक्टर केवल शाम को ही बैठते हैं। इस संबंध में जब जनपद सदस्य और जनपद पंचायत प्रतिनिधि को जानकारी लगी तो उन्होंने मौके पर जाकर जायजा लिया और भारी मात्रा में यहाँ रखी हुई एक्सपायरी दवाइयां देखी। हालांकि अब मामले की जांच की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि सुहागपुर ब्लॉक के सेमरी हरचंद में स्थित पशु चिकित्सालय केंद्र का ये जो पूरा मामला है, जहां पर ये एक्सपायरी दवाइयों का गोरखधंधा चल रहा है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता देवेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आखिर ये लोग कब से इन दवाइयों का उपयोग कर रहे थे? हालांकि मामला अब उसका खुलासा हो पाया है। जी, ये अभी इसका जानकारी नहीं मिल पाई है कब से इस दवाइयों का उपयोग हो रहा था, लेकिन ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त हुई कि पिछले कई महीनों से इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कई बार की शिकायत भी की है, लेकिन कोई अधिकारी द्वारा इन पर कार्रवाई नहीं की सकी है। देवेंद्र, यहाँ पर आखिर ये पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ कि ये लोग लगातार, चाहे वो कैंप हो चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, लगातार वहाँ पर जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पर यही एक्सपायरी दवाएं का ही उपयोग कर रहे थे और वो भी भंडारण में मिली है वहाँ पर ऐसी दवाएं? जी, हम बता दें ग्रामीणों द्वारा लगातार डॉक्टरों की शिकायत की जा रही है, लेकिन किसी भी वरिष्ठ अधिकारियों ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तब ग्रामीणों ने मीडिया से बात की और मीडिया को वीडियो फुटेज उपलब्ध करवाया, जिससे पूरी जानकारी प्राप्त हो सकी। देवेंद्र, यहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद रहते थे, पहली बात तो डॉक्टरों की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है कि जो पूरे दिन उन्हें रहना चाहिए वो तो शाम को सिर्फ 5 बजे बैठते हैं, और ऐसे में और एक्सपायरी दवाओं का भी उपयोग कर रहे हैं। किसी भी डॉक्टर से आपके इस मसले पर बात हुई है? जी, हम 2 बार उस अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन उस समय वहाँ कोई भी डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं रहा और हमें उन्हें फोन के जरिए डॉक्टर से बात करना चाहिए था। वो उस समय शहर से बाहर बताया गया, कहीं इटारसी बताया गया, कहीं होशंगाबाद, जो भी कारण रहे वो कैंप के सामने आने से इनकार करते रहे। बिल्कुल देवेंद्र, यहाँ पर जिस हिसाब से ये मामले सामने उजागर हुआ है कि पशु चिकित्सालय में इस तरीके से एक्सपायरी दवाओं का यहाँ पर गोरखधंधा चल रहा था, डॉक्टर उन्हीं दवाओं का उपयोग कर रहे थे, बड़ा ही ये संवेदनशील मामला है। इस पर जांच, हालांकि बात कही गई है कि जांच कराई जाएगी, देखते हैं इस जांच का आखिर नतीजा क्या निकलता है। तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए देवेंद्र, आपका शुक्रिया।